ताजा करिए और पुरानी बॉलीवुड यादें, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो। 4 सितंबर 1952 को मुंबई में जन्मे ऋषि कपूर 65 साल के हो चुके हैं। ऋषि कपूर आज भले ही फिल्मों में कम नजर आते हैं, पर अपने सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ऋषि कपूर को हिंदी सिनेमा का एक उभरता हुआ सितारा माना जाता था, और ऋषि कपूर ने बाद में अपने काम से ये साबित भी कर दिया था कि वो अभिनय के मामले में किसी भी बड़े सितारे से कम नहीं है। ऋषि कपूर को वैसे तो राज कपूर के बेटे होने का फायदा तो मिला था, पर बाद में अपना मुकाम बनाने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद से गुजरना पड़ा था। खैर, ऋषि कपूर के जन्मदिन के मौके पर हम आपसे फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान का एक वाकया बताना चाहते हैं। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर अपनी फिल्म की लीड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के काफी करीब आ गए थे। दोनों उस वक्त जमा थे, इसीलिए दोनों का दिल कुछ समय के लिए बहक भी गया था। डिम्पल भी ऋषि कपूर को चाहने लगी थी और ऋषि कपूर का दिल भी डिम्पल के लिए धड़कने लगा था, और इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में भी किया है। ऋषि कपूर डिम्पल को प्रपोज करना चाहते थे, पर चूंकि ऋषि कपूर की बॉबी पहली फिल्म थी, इसीलिए उनके पिता राज कपूर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पिता की सख्ती और डर के आगे ऋषि कपूर ने डिम्पल को प्रपोज करने का इरादा छोड़ दिया था। ये आसान इसलिए भी हुआ था क्योंकि उसी वक्त डिम्पल की लाइफ में राजेश खन्ना की एंट्री हो चुकी थी, और फिर डिम्पल काका का स्टारडम के आगे ऋषि कपूर को छोड़ आगे बढ़ गईं। तो ऋषि कपूर ने भी अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया, और बाद में ऋषि कपूर को नीतू सिंह से प्यार हो गया था।